हरियाणा में एक बार फिर से चरखी दादरी जिले में कोरोना का खतरा बढ़ता दिख रहा है। जहां फरवरी के महीने में दादरी जिला कोरोना फ्री हो गया था, वहीं एक महीने में ही कोरोना के 36 नए केस सामने आए और ऐसे में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। कोरोना के बढ़ते केसों के बावजूद लोगों में कोरोना का भय नहीं, साथ ही प्रशासन की ओर से बिना मास्क लगाए लोगों के चालान काटे जा रहे हैं। बता दें, चरखी दादरी जिले में इस साल फरवरी महीने में कोरोना का कोई केस नहीं था, लेकिन अब कोरोना केसों में लगातार इजाफा दिखाई दे रहा। जहां जिले से इस महीने में अब तक 36 नए केस सामने आ गए हैं, वहीं 21 केस एक्टिव हैं, जबकि यह रेशियो प्रदेश भर में सबसे नीचा है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग की ओर से सिविल अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं। आयुर्वेदिक अस्पताल में कोविड अस्पताल बनाते हुए पुख्ता इंतजाम किए गए। विभाग की माने तो आने वाले समय में कोरोना के केसों में बढ़ोतरी होगी, ऐसे में जनता को भी जागरूक होने की जरूरत है। वहीं डिप्टी सीएमओ गौरव भारद्वाज ने बताया कि कोरोना के केसों में इस महीने में इजाफा हुआ है। दरअसल फरवरी महीने में जिले में कोई भी कोरोना एक्टिव केस नहीं मिला था और इस महीने में 36 नए केस सामने आए। बता दें, कोरोना के हर रोज करीब 450 लोगों के सैंपल लिए जा रहे हैं और वैक्सीनेशन भी लगाई जा रही है। वहीं प्रशासन लगातार जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को कोरोना से बचाव के बारे में आह्वान किया जा रहा है और आने वाले समय में कोरोना केस ना बढ़े, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग लगातार प्रयास कर रहा है। हमारे जिले चरखी दादरी में 1 फरवरी को 0 एक्टिव केस स्टेटस अचीव हो गया था। हमारे ज़िले में उस टाइम कोई भी एक्टिव केस नहीं था। अगले लगभग 12 दिन कोई भी नया केस इस ज़िले में नहीं पाया गया, सैंपलिंग लगातार चलती रही। उसके बाद से केसेस फिर से आने शुरू हो गए। तब से लेके अब तक 36 नए केस ज़िले में पाए गए हैं। पिछले एक हफ्ते में रोज़ाना लगभग एक दो केस हमें मिल रहे हैं, जिसके फलस्वरूप इस टाइम पे हमारे पास 21 केस एक्टिव हैं। 15 केस ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं, अपना कामकाज कर रहे हैं।